नमस्कार दोस्तों, मैं नवदीप सिंह यूट्यूब चैनल एन यूनिवर्स स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी HSSC, HPSC और HTET की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। ये प्रश्न 11 जनवरी 2020 से 22 जनवरी 2020 तक के हैं। तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 के लिए हरियाणा के किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया है? रानी रामपाल कुरुक्षेत्र जिले के आरक्षित विधानसभा क्षेत्र शाहबाद से संबंध रखती हैं और वर्तमान में शाहबाद से जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं रामकरण काला। रानी रामपाल का जन्म 4 दिसंबर 1994 को हुआ था और वे भारतीय हॉकी की रानी कहलाती हैं। 2010 विश्व कप में भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम की वे सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी, 15 वर्ष की। रानी रामपाल वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान हैं और 2020 में जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम को पदक दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। अगला प्रश्न है, 34वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में किस राज्य को थीम राज्य का दर्जा दिया गया? हिमाचल प्रदेश को दूसरी बार थीम राज्य का दर्जा दिया गया है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश राज्य को पहली बार 1996 में आयोजित 9वें सूरजकुंड मेले में थीम राज्य का दर्जा दिया गया था। और अगर हम बात करें 2019 में आयोजित 33वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में महाराष्ट्र को थीम राज्य बनाया गया था और 2018 में 32वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले में उत्तर प्रदेश को थीम राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में किस देश को पार्टनर कंट्री या भागीदार देश का दर्जा दिया गया है? उज्बेकिस्तान। और 2019 में थाईलैंड को पार्टनर कंट्री बनाया गया था और 2018 में किर्गिस्तान को यह दर्जा दिया गया था। 34वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का विमोचन किसके द्वारा किया जाएगा? रामनाथ कोविंद के द्वारा। रामनाथ कोविंद भारत के वर्तमान और 14वें राष्ट्रपति हैं। 34वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आयोजन कब और कहां किया जाएगा? फरीदाबाद के सूरजकुंड में इसका आयोजन किया जाएगा और यह मेला 1 फरवरी से 16 फरवरी तक चलेगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार की तरफ से सरकारी स्कूल के किन कक्षाओं के बच्चों को किताबें निःशुल्क प्रदान की जाएंगी? 1 से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को सरकारी स्कूल के ये किताबें निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। इसकी जानकारी जगाधरी से विधायक और हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने की। इससे पहले 1 से 8वीं कक्षा तक के सरकारी स्कूल के बच्चों को किताबें मुफ्त प्रदान की जाती रही हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य के किस मेडिकल कॉलेज में डिप्लोमा ऑफ नेशनल बोर्ड की मंजूरी प्रदान की गई है? शहीद हसन खान मेवाती राजकीय महाविद्यालय जो नू जिले के नलहड़ में स्थित है। टाइगर शार्क स्क्वाड्रन ग्रुप कैप्टन के पद पर चयनित मनोज गेरा कहां से संबंध रखते हैं? कैथल से संबंध रखते हैं। आंध्र प्रदेश की किस बीज कंपनी ने हरियाणा राज्य के एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के साथ अनुबंध किया है? श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर बीज कंपनी ने यह अनुबंध किया है और यह अनुबंध बाजरे की 2 किस्में HHB 299 और HHB 311 के लिए हुआ है। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया जाएगा? पंचकुला में आयोजित किया जाएगा। 25 जनवरी 2020 को इसका आयोजन होगा और हरियाणा के वर्तमान और 17वें राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य इसमें शिरकत करेंगे। और इम्पोर्टेंट बात कि इस बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम होगी इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। हरियाणा राज्य के किस गांव को लाल डोरे के दायरे से बाहर करने की योजना के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना गया था? सिरसी गांव को चुना गया था जो करनाल जिले के अंतर्गत आता है।
अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर परितोष दहिया को किस पुरस्कार से नवाजा जाएगा? तो परितोष दहिया को प्रधानमंत्री बाल शक्ति पुरस्कार से नवाजा जाएगा और वो सोनीपत से संबंध रखते हैं और उन्हें यह पुरस्कार एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तैयार करने पर प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार के तौर पर 1,00,000 रुपये, टैबलेट फ़ोन और एक मेडल प्रदान किया जाएगा। रोम रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में बजरंग पूनिया ने कुश्ती के किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? 65 किलोग्राम। बजरंग पूनिया से संबंधित कई बार बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है कि बजरंग पूनिया हरियाणा राज्य में झज्जर जिले के गांव खुड्डन के रहने वाले हैं, लेकिन वर्तमान में बजरंग पूनिया सोनीपत में रहते हैं। वर्ष 2018 में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में देश के लिए स्वर्ण पदक इन्होंने जीता और 2019 में रूस के कास्पिस्क में आयोजित हुई अली अलीयेव कुश्ती टूर्नामेंट में भी बजरंग पूनिया ने स्वर्ण पदक हासिल किया था। 11 मार्च 2019 को देश के वर्तमान और 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित सम्मान समारोह में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, रोम रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले रवि कुमार किस खेल से संबंध रखते हैं? कुश्ती से संबंध रखते हैं और रवि कुमार ने यह स्वर्ण पदक 61 किलोग्राम भार वर्ग में जीता और वह हरियाणा में सोनीपत से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, रोम रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में विनेश फोगाट ने कुश्ती में कौन सा पदक अपने नाम किया? स्वर्ण पदक। और अगर हम बात करें विनेश फोगाट के बारे में, इन्होंने यह पदक 53 किलोग्राम भार वर्ग में जीता। विनेश फोगाट गीता फोगाट और बबीता फोगाट की चचेरी बहन हैं। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित विनेश फोगाट का जन्म 25 अगस्त 1994 को हरियाणा के नवगठित 22वें जिला चरखी दादरी के बलल्ली गांव में हुआ था। विनेश फोगाट 2014 ग्लासगो में आयोजित हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता हैं। इन्होंने 2014 और 2018 के एशियाई खेलों में कांस्य पदक और स्वर्ण पदक जीता और इन्होंने 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अगला प्रश्न है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य की नगर निगमों को कितनी राशि के विकास कार्यों को करवाने की मंजूरी प्रदान की? 10 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य में किस योजना के तहत 31 मार्च 2020 तक सभी शहरों में सभी स्ट्रीट लाइटों को LED से बदलने के निर्देश दिए गए हैं? मेरा शहर, जगमग शहर। मानव संसाधन मंत्रालय की इकाई नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा कवयित्री शकुंतला मुखर्जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? शाश्वत श्रृंगारिक सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें, शकुंतला मुखर्जी चंडीगढ़ से संबंध रखती हैं और पंचकुला के सूरजपुर में स्थित DAV स्कूल में जीव विज्ञान की अध्यापिका हैं। उन्हें यह पुरस्कार दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में प्रदान किया गया और इसी मेले में शकुंतला मुखर्जी की 3 पुस्तकें तेरी आंचल की छांव, प्यार की अनुभूति और चलो एक घर बनाते हैं, इनका विमोचन भी किया गया। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2020 के राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस का आयोजन कहां पर होगा? अंबाला में होगा और इस अवसर पर ध्वजारोहण हरियाणा के वर्तमान और 17वें राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य करेंगे। छठा सब्जी एक्सपो 2020 कब और कहां आयोजित किया जाएगा? 26 से 28 जनवरी 2020 तक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घरोंडा करनाल में इसको आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अरुण सूद को नियुक्त किया गया। हरियाणा में किस विश्वविद्यालय में कृषि पर्यटन केंद्र स्थापित किया जाएगा?
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो हिसार में स्थित है। अगर हम बात करें इसके अतिरिक्त हिसार में गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में हुई थी और लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 2010 को हुई थी वह भी हिसार में स्थित है और हरियाणा में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, 2 दिवसीय गोल्डन जुबली पुष्प कार्निवल 2020 का आयोजन कब और कहां पर किया गया था? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में। हरियाणा राज्य में 3 दिवसीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन कब और कहां किया जाएगा? 27 जनवरी से 29 जनवरी 2020 तक इसका आयोजन यमुनानगर जिले में आदि बद्री नामक स्थान पर होगा जो सरस्वती का उद्गम स्थान जिसको माना जाता है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें इस 27 से 29 जनवरी 2020 तक कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा में सरस्वती क्राफ्ट मेले का भी आयोजन किया जाएगा। हरियाणा राज्य में एच टेट पात्रता परीक्षा की मान्यता को 5 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? 7 वर्ष। हरियाणा प्रदेश में ड्रग्स की रोकथाम के लिए नारकोटिक्स ब्यूरो कहाँ स्थापित किया जाएगा? चंडीगढ़ में इसको स्थापित किया जाएगा। 12 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया? रेवाड़ी में इसको आयोजित किया गया और इस समारोह में हरियाणा प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री और करनाल से विधायक मनोहर लाल खट्टर ने शिरकत की थी। हरियाणा सरकार में 23 जनवरी 2020 को प्रमाण मानते हुए आपराधिक जांच विभाग CID और राजभवन मामलों और कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय किसके पास हैं? मनोहर लाल खट्टर जो करनाल से विधायक हैं और हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अगर हम बात करें मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में मुख्यमंत्री क्रम में 21वें और व्यक्ति क्रम में हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री हैं और हरियाणा के प्रथम कुंवारे मुख्यमंत्री हैं। मनोहर लाल खट्टर स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले हरियाणा के दूसरे तथा गणतंत्र भारत में जन्म लेने वाले हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री हैं और हरियाणा के चौथे लाल के नाम से प्रसिद्ध हैं और हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा भी इन्होंने ही दिया है। और इससे पहले यह मंत्रालय हरियाणा के गृह मंत्री और अंबाला कैंट से विधायक अनिल विज के पास था। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार में 23 जनवरी 2020 को प्रमाण मानते हुए कला एवं संस्कृति मामलों का मंत्रालय किसके पास है? कंवरपाल गुज्जर के पास है जो हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री भी हैं और जगाधरी से विधायक हैं और इससे पहले यह मंत्रालय बल्लभगढ़ से विधायक और हरियाणा सरकार में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के पास था। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया 11 जनवरी से 22 जनवरी 2020 तक के महत्वपूर्ण हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ और Anuniverse स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।